हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, हिंदी बर्ड चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप एबीसी कार्ड कैसे बना सकते हैं, इसके अलावा जो एबीसी आईडी होती है वो कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों जब भी आप कोई फॉर्म भरते हैं या आप किसी विद्यालय में एडमिशन लेते हैं तो अब आपसे वहाँ पर एबीसी आईडी मांगी जा रही है, या यूं कहें कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ये आपसे वहां पर मांगा जाता है। इसकी एक एबीसी आईडी होती है जो कि आपसे वहां पर मांग की जाती है। तो ये आप कहां से बनाएंगे, इसकी क्या प्रक्रिया होगी, वो हम आपको इस वीडियो में आसानी से समझाने जा रहे हैं। अभी इसका चलन इतना ज्यादा इसलिए हो गया है क्योंकि जो विश्वविद्यालय हैं, ये जो विद्यालय उनके जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वहां पर इसकी मांग की जा रही है और इसलिए वहां पर इसे मांगा जा रहा है। तो आपको इसे तत्काल कैसे बनाना है उसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा, जिससे आप बड़ी आसानी से सरल तरीके से इसे घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरा प्रोसीजर जान लेते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके अलावा आप यहाँ पर ऑल बेल के ऊपर क्लिक कर दीजिए जिससे आपको सभी प्रकार के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों आपको अपनी एबीसी आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउजर पे जाना है। आप मोबाइल या कंप्यूटर कुछ भी जो है खोल सकते हैं, किसी पर भी ये बना सकते हैं। अब आपको यहाँ पर गूगल में सर्च करना है डिजी लॉकर। तो देखिए हम डिजी लॉकर सर्च करते हैं क्योंकि इसके लिए आपके पास डिजी लॉकर होना चाहिए जिससे ये आसानी से बन जाता है। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ डिजी लॉकर की जो आएगा इसे खोल लेना है। अगर आपके पास डिजी लॉकर है तब तो ये आपसे 5 से 10 सेकंड का ही काम है, लेकिन अगर आपके पास डिजी लॉकर नहीं है तब आपको अपना डिजी लॉकर का अकाउंट यहाँ बनाना होगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास डिजी लॉकर नहीं है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन अप के बटन पे सबसे पहले क्लिक करना होगा। यहाँ पर देखिए आपको अपना नाम डालना है, ये जानकारी आपके आधार कार्ड से मैच करनी चाहिए। यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा, यहाँ पर आपका आप मेल है फीमेल है वो आएगा, आपका एक मोबाइल नंबर आएगा, आपकी ईमेल आईडी आएगी और आपका यहाँ पर 6 डिजिट का जो है एक आपको सिक्योरिटी अपना पिन बनाना है और जानकारी भर के सबमिट करना है। तो चलिए ये जानकारी भरते हैं, आगे आपको दिखाते हैं। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे इस प्रकार से एक ओटीपी आएगा और ये ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल पे भेजा जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, आपको उस ओटीपी को डालना है। तो चलिए हम ओटीपी डालते हैं और आगे आपको बताते हैं। के बाद देखेंगे तो आपसे आधार नंबर मांगा जाएगा, यहाँ पर आधार डालिए और नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद देखिए एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा जो आधार से लिंक है, वो आपको डालना है और सबमिट करना है। इसके बाद आप देखेंगे तो आपका डिजी लॉकर का अकाउंट यहाँ बन गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका डिजी लॉकर अकाउंट बन जाता है। अब बात करते हैं कि आपको अपनी एबीसी आईडी कहाँ से मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आ रहा है बगल में, आप देखेंगे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। तो आपको क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक करना है या आप चाहें तो सर्च में जाके इसे सर्च कर सकते हैं। तो जैसे आप सर्च पे जाएंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे ABC और जैसे आप ABC लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर आ गया एकेडमिक बैंक क्रेडिट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने अनुसार जो आपका स्टेट आता है, जो आपकी यूनिवर्सिटी आती है, वहां से आपको अपनी एबीसी आईडी पर क्लिक करना होगा। नहीं तो आप क्या करिए, यहीं पे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए आपका नाम यहाँ दिख जाएगा, डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगी, जेंडर दिख जाएगा, आपका जो एडमिशन ईयर है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो मान लीजिए हमने यहाँ 22 में एडमिशन लिया था, आपने जिसमें लिया हो अगर आप अभी ले रहे हैं तो आप वो चुनेंगे ईयर। उसके बाद देखिए आइडेंटिटी टाइप क्या आपकी रहेगी, तो आपका रोल नंबर से आप आइडेंटिटी देंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर से देंगे, इनरोल से देंगे, न्यू एडमिशन है वो आप यहाँ चुनेंगे। मान लीजिए हम इसे रोल नंबर से देंगे तो रोल नंबर चुनेंगे, ओके करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ आइडेंटिटी वैल्यू आपको देनी है, जैसे हमने रोल नंबर डाला है तो वो यहाँ पर डाल देंगे। और उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना इंस्टीट्यूट का जो नेम आएगा वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट आएंगे,
तो आपको जो आपका इंस्टीट्यूट है वो आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना होगा। ये सारी जानकारी हमने यहाँ भर ली है, आप देख सकते हैं। हम यहाँ क्या करेंगे, गेट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम गेट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर योर रिक्वेस्ट सबमिट प्लीज वेट कन्फर्मेशन चल रहा है यहाँ ईश्वर का, और यहाँ आप देखेंगे तो इस प्रकार से ये जो है हमें बन के आ जाएगा। तो अभी देखिए इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे ABC आईडी कार्ड के ऊपर, और जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस प्रकार से ये हमारा ABC आईडी कार्ड खुल जाएगा। आप चाहें तो इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने अपना ABC आईडी कार्ड आसानी से बना लिया है। अब आप चाहें तो इसे जहां भी आपको जरूरत हो वहां आप इसे लगा सकते हैं, और अगर कहीं इसका नंबर डालना हो तो इस पे देखिए ABC आईडी नंबर भी दिया होता है, वो नंबर भी आप वहां डाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और इस प्रकार से आप अपनी ABC आईडी बना लेंगे। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।